or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो गया हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जी एरेंगल 2.0 जो न्यू मैप लॉन्च हुआ है बीटा वर्जन में। ऑफिशियली भी ये जल्दी ही आ जाएगा, ग्लोबल वर्जन में भी जल्दी ही आ जाएगा। मैं आजकल एरेंगल 2.0 पे वीडियोज़ बना रहा हूँ क्योंकि गेम प्ले तो बन नहीं पा रहा, हैकर्स इतने आ रहे हैं कि कोई भी गेम अच्छी नहीं जाती। तो सोचा एरेंगल 2.0 पे ही आप लोगों को एक दो वीडियोस जो मैंने पहले भी बनाई हैं। आज मैं सेवर्नी का विज़िट कर रहा था तो बहुत अच्छा इन्होंने सेवर्नी को भी मॉडिफाई कर लिया है। बिल्डिंग्स काफ़ी कलरफुल हैं। आज थोड़ा सा मौसम सेवर्नी का ख़राब लग रहा था, काफ़ी क्लाउडी था। तो चले आगे चलते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें सेवर्नी में बिल्डिंग वेयर हाउसेज भी काफ़ी मॉडिफाई किए हैं। ये टावर भी जो मैं नज़र आ रहा था ये भी काफ़ी मॉडिफाई हो चुका है, अच्छे कलरफुल ग्राफिक के साथ है। तो बहुत अच्छी बात इसमें इस वीडियो के। और ये भी है इस सेवर्नी को विज़िट करते हुए मुझे एक न्यू इवेंट का भी इलम हुआ जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वो जी मेमोरी फ्रैगमेंट के नाम से आज ही शायद आज ही की अपडेट में बीटा वर्जन में इन्होंने लॉन्च किया है। काफ़ी मिस्ट्री था, मैं स्टार्ट में सॉल्व नहीं कर सके आखिर ये है क्या चीज़ जो नया इवेंट इन्होंने लॉन्च किया है मेमोरी फ्रैगमेंट के नाम से। तो चलें आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये है क्या। मैंने मेड में ही जाके कहीं सॉल्व किया है लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन फुली कर दूंगा कि ये इवेंट है क्या और आपने किस तरह इसमें इसको अचीव करना है। आपको इसमें लेवल 3 के आर्मर मिलेंगे, लेवल 3 की वेस्ट हेलमेट सब आप रिडीम कर सकते हैं। तो चलें मैप में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट में मुझे एक साउंड सुनाई दिया था, मैं वो देख रहा था कि यार ये साउंड कहाँ से आ रहा है, आवाज़ एक आई थी किधर से आ रही है, तो उसी को एक्सप्लोर कर रहा था। एक बोर्ड यहाँ पे मैंने क्रेड बनाया था, मैंने सोचा इसमें से आई है लेकिन इसमें से भी नहीं आई थी। तो चलें आगे देखते हैं, मैं इसी को विज़िट करते हुए आगे जा रहा था तो मुझे वो मालूम हो गया कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से थी। तो चलें वीडियो को आप देखें। जैसे ही यहाँ से मैंने टर्न लिया लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे मुझे एक टावर नज़र आया और मेन यही था जहाँ से साउंड आई थी। तो इसके करीब पहुँचते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिस तरह मैंने इनिशियली इसको सॉल्व किया, मैं उसी तरह आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना रहे कि आपको किस तरह ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैंने रिडीम पर क्लिक किया तो कुछ भी रिडीम नहीं हुआ। मेमोरी फ्रैगमेंट एक्सट्रीम एडवेंचर हैज़ नॉट बी फुली चार्ज, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, समझ नहीं आती भाई ये है क्या, रिडीम नहीं हो पा रहा। अब मैंने यहाँ पे कुछ दो चार फायरिंग की, मैंने कहा शायद चार्ज हो जाए, चार्ज नहीं हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता ही अभी मुझसे साफ नहीं हुई ये मिस्ट्री, आखिर है क्या चीज़, ये टावर है क्या, इसमें से क्या निकलेगा, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ से बोर्ड भैया आ रहे थे, बोर्ड भैया को मैंने हेड शॉट दिया और जैसे ही हेड शॉट दिया तो यहाँ पे आपका ये जो इवेंट है ये एक्टिव हो चुका है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं मालूम हुआ कि भाई एक्टिव हो चुका है। तो मैं आगे चल पड़ा अपना जो था जो मेरा मेन वीडियो थी जी सेवर्नी को एक्सप्लोर करना है, उसमें किस तरह बिल्डिंग्स हैं, ग्राफिक्स कैसे हैं। तो चलें वो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी मॉडिफिकेशन की है इन्होंने, इसमें टावर्स अच्छे बना दिए हैं, बिल्डिंग्स अच्छी मॉडिफाई हो गई हैं, कलरफुल हो गई हैं, डिफरेंट इसमें रूम्स भी आपको इनसाइड द बिल्डिंग आपको रूम मिल रहे हैं बेहतरीन। तो चलें आगे चलते हैं, देखते हैं यार आहिस्ता आहिस्ता ही सॉल्व होगी मिस्ट्री। जिस तरह मैंने सॉल्व किया मैं भी आपको उसी तरह एक्सप्लेन करूँगा जिस तरह वो मैंने जो बोर्ड जैसे ही मैंने वहाँ पर किया था तो ये कुछ मैप पे सिम्बल्स मुझे नज़र आ गए थे। मैंने सोचा चलें जो ये सिंबल नज़र आ रहे हैं जो नज़दीकी टावर है, टावर था इस पर विज़िट करते हैं। टावर में पहुँचा, रिवार्ड रिडीम किया तो मुझे रिवार्ड यहाँ से मिल गया। तो थोड़ी बहुत मिस्ट्री सॉल्व होगी भाई, ये कुछ है इधर से आपको कुछ मिलना है। तो चलें आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या चीज़ या आखिर। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था भाई ये क्या है। इस टावर का कलर था जी, ये कलर बेस्ड है, ये जो आपके फ्रैगमेंट्स हैं ये कलर बेस्ड हैं,
लाइक ऑरेंज है, रेड है, ब्लू है, आई थिंक एक और ब्लू कलर भी है, पर्पल भी आई थिंक है। तो ये डिफरेंट कलर के टावर्स हैं। आपने डिफरेंट कलर के टावर पर जाके आपने वो रिवार्ड जो है वो क्लेम करने हैं, लेकिन उसी सूरत में क्लेम होंगे अगर आप जो मिशन आपको दिए हुए हैं, चार मिशन हैं, चार में से आप दो भी अचीव कर लेते हैं तो आपका वो जिस कैटेगरी में आपको रिवार्ड मिले हुए हैं तो वो आप अचीव करते हैं, तो आप आसानी से अपना ये जो मिशन है कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टावर की तरफ गया, यहाँ पे जो कलर था जी, ये कलर था जी पर्पल कलर था, तो ये भी मैंने अचीव नहीं किया हुआ था, तो कंप्लीट नहीं किए हुए थे मिशन, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी भाई है क्या चीज़, ये चक्कर क्या है, क्यों नहीं ये रिडीम हो रहा। तो फायरिंग की मैंने कहा कुछ हो जाए, कुछ चार्ज हो जाए, कुछ बूस्ट हो जाए, नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं निकल गया फिर आगे, मैंने कहा चलते हैं भाई, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, रिडीम कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही हम निकलने लगे तो मुझे रेड निशान नज़र आया, मैंने इस पर क्लिक किया तो फौरन से ही सारी मिस्ट्री जो थी वो सॉल्व हो गई। इसमें सारे डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो फ्रेगमेंट्स थे लाइक ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, रेड, वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन हो गए, मुझे सारी मिस्ट्रीज समझ आ गई भाई ये है क्या और किस तरह अचीव करना है। हर कलर में आपको चार मिशन मिलेंगे, ब्लू कलर में चार मिशन मिलेंगे, एलीट स्नाइपर के नाम से ये था मिशन, एक्सट्रीम एडवेंचर था, सर्वाइवल एक्सपर्ट था, स्विफ्ट अटैक जो मैंने कंप्लीट किया हुआ था, ट्रिगर एडेप्ट था। इसमें चार मिशन हैं, आपने दो मिशन करने हैं, दो मिशन करेंगे तो आपको जो रिवार्ड है वो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर लाइक आपने ग्रीन कलर का किया तो आपको ग्रीन टावर से जाके अपने रिवार्ड अचीव करने हैं, क्लेम करने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे मैंने थोड़ी गाड़ी स्लो कर ली क्योंकि एक्सप्लेन करना था एरेंगल 2.0 के ग्राफिक्स को, तो लाइक कि ब्रिज को मैंने देखा, मैंने कहा यार ब्रिज भी काफ़ी मॉडिफाई हो गया, बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्रिज बना दिए इन्होंने, हर चीज़ एरेंगल 2.0 में इन्होंने ब्रांड न्यू बना दी है, कलर ग्राफिक सब कुछ ओके हो गया है, बेहतरीन। तो हम चलते चलते हम इस टावर पे पहुंच चुके हैं जी। ये टावर जो था जी, ये टावर था जी हमारे पास ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर के आई थिंक मैंने मिशन थे जो वो अचीव किए हुए थे, ग्रीन कलर का था जी सर्वाइवल एक्सपर्ट के नाम से। तो मैंने यहाँ पे रिवार्ड अपना क्लेम कर लिया, रिवार्ड मुझे मिल गया, अब तो ले लिया था, अब क्या दोबारा क्लिक करना है। तो फिर यहाँ से हम निकले जी आगे, दूसरा टावर जो ब्लू कलर आपको नज़र आ गया होगा, ब्लू कलर के टावर पे हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं ब्लू कलर का मैंने जो है वो रिवार्ड वो जो था मिशन वो नहीं थी, ये मिशन मैंने नहीं अचीव किए थे, नहीं कंप्लीट किए थे, तो मैं अपना रिवार्ड भी यहाँ से क्लेम नहीं कर सका। तो जोन बड़ी तेज़ी से आ रहा था, तो यहाँ से हम सीधा अब जोन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा मिशन जो अब हम अचीव कम्प्लीट नहीं कर सकते। तो निशान हमने लगाया था जी पुचिंकी का, पुचिंकी की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। पुचिंकी में जैसे ही हम पहुंचेंगे तो आई थिंक हमें वहाँ पे एक और टावर नज़र आ जाएगा, तो चलें आप ग्राफिक्स जो हैं इसके वो एंजॉय करें क्योंकि बोल बोल के मैं भी थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि एकदम से तो वीडियो भी ठीक नहीं बनती, एडिट करो, कट करो, वॉइस ओवर काफ़ी इसमें हार्ड वर्क लगता है, सिंक्रोनाइजेशन भी ठीक नहीं होती। तो चलें कर रहा हूँ। तो अभी हम पुचिंकी की के पास से जा रहे हैं, पुचिंकी में हमारी गाड़ी थोड़ी ड्रिफ्ट कर गई। पुचिंकी में जैसे ही हम पुचिंकी को हमने क्रॉस किया, यहाँ से भी हम पुचिंकी को क्रॉस करेंगे तो हमें पुचिंकी में ही ये ब्लू कलर का मार्क मुझे मैप में नज़र आ गया, तो मैं डायरेक्ट इस मार्क पे पहुंचा तो यहाँ पे टावर था जी ब्लू कलर का। तो अभी देखते हैं जी ब्लू कलर का टावर हमें कौन से रिवार्ड देता है, लाइक ब्लू है आई थिंक, पर्पल है ये, चलें पर्पल था जी, बिल्कुल सॉरी पर्पल जो था रिवार्ड हमने मिशन हमने अचीव किए हुए थे, हमने यहाँ से भी अपने रिवार्ड जो है वो क्लेम कर लिया, लेवल 3 की वेस्ट मिल गई, 6x स्कोप हो गया, सब ओके हो गया। तो ये यहाँ तक मिस्ट्री आई थिंक आप लोगों को भी सॉल्व हो चुका, मैंने सॉल्व कर ली, आप लोगों को भी आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी, सारे रिवार्ड हमने क्लेम तो सारे नहीं किए थे
रेड कलर के मार्क तक अब हमें जाना था, क्योंकि रेड कलर का जो हमने था अचीव किया हुआ था, मिशंस अचीव किए हुए थे, कंप्लीट किए हुए थे, तो रेड टावर के पास हम पहुंच गए डायरेक्ट जल्दी से। तो ये जी है जी रेड टावर। रेड टावर में देखते हैं जी हमें कौन से रिवार्ड हमें मिलते हैं, कौन सा हम अचीव, कौन सा रिवार्ड हम क्लेम करते हैं यहाँ से। जी लेवल 3 की बेस्ट दोबारा से मिल गई। तो देखते हैं जी, एलीट स्नाइपर का जो था इस कैटेगरी का मिशन में अचीव नहीं कर सका। तो ये जी हिट मूविंग एनिमीज था, नहीं हिट कर सका। तो बाकी तो सारे स्विफ्ट अटैकर, एक्सट्रीम एडवेंचर, सर्वाइवल एक्सपर्ट, एडेप्ट सारे मैंने यहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व कर ही ली, मिशन सॉल्व सारे कर ही लिए मैप के एंड होते होते, क्योंकि 9 अलाइव रह गए थे। तो यहाँ से अब सीधा अब हम चलेंगे जी हंटिंग की तरफ, आखिरी टाइम था। तो लास्ट जोन में जो था जी वो सारे मार्क भी गायब हो गए थे, टावर वगैरह सब टावर शावर सारे एंड हो गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो, आखिरी बोर्ड बाई थे इनको, उसको हमने काफ़ी तंग किया, स्मोक वगैरह भी किया, लेकिन ये स्मोक से भी हिट कर रहा था। तो चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, मिस्ट्री आपको मैंने सॉल्व कर दिखा दी, आपको काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।